के गाजीपुर बॉर्डर पर राहुल गांधी को रोकने की तैयारी की जा रही है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। वहां से राहुल प्रकाश मेरे साथ मौजूद हैं। तो राहुल, किस तरह की तैयारी? आपके पीछे मैं काफी बैरिकेड्स देख रही हूं। देखिए, मैं आपको जो एनएच की है वो तस्वीर दिखा रहा हूँ, जहाँ कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से बैठ चुके हैं, यानी हाईवे पे बैठे हैं। और जो बैरिकेडिंग के साथ साथ आप कार्यकर्ताओं का हुजूम देखेंगे, ये सुबह से ही यहाँ इकट्ठे होना शुरू हो गए थे। ये तस्वीरें हैं नेशनल हाईवे की, और जो कहा जाए कि पुलिस की बंदोबस्त की बात की जाए वो तमाम आसपास की तमाम जगहों पर है। और यहाँ पर जिस तरीके से कार्यकर्ता बैठे हैं, इनको यहाँ बैठने नहीं दिया जाएगा, ये साफ था। इनको यहाँ से हटाया जाएगा। कारण यही है कि ये नेशनल हाईवे है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब यहाँ से जाने का जिस बात का आह्वान किया है, साथ में प्रियंका गांधी उनके साथ होंगी, तो ऐसे में किस तरीके की स्थिति हो सकती है, तो उसको देखते हुए यहाँ की जो यूपी पुलिस है उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर सबको मुस्तैदी से लगाया है। हालांकि कई आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार इस सिचुएशन को मॉनिटर भी कर रहे हैं, क्योंकि इस हाईवे से आप तस्वीरें जितनी देखेंगे आपको नजर आएगी कि पूरी तरीके से यहाँ पर जाम लंबा लग चुका है और बैरिकेडिंग्स है, भारी बंदोबस्त है, आला अधिकारी मौके पर है, महिला पुलिसकर्मी हो, पीएसी के जवान हो, वो लगाए गए हैं। कई बैरिकेडिंग्स की लेयर्स की सुरक्षा है और कहा जाए कि आला अधिकारी यहाँ पर हैं। और मैं सीधे बात करने की कोशिश करता हूँ, सर स्थिति को कैसे कंट्रोल आप कर रहे हैं? हालांकि अभी कार्यकर्ता जुड़े हैं, कई लेयर्स की बैरिकेडिंग है, पीएसी के जवान हैं, क्या तैयारियां हैं? देखिए, अभी चूंकि यहाँ पे भीड़ के गैदरिंग होने का इंटेल था, तो उसकी वजह से जो एनएच पे गाड़ियां बहुत स्पीड से जाती हैं, तो कोई जनहानि ना हो उसके लिए हम लोगों ने बैरिकेडिंग करके यहाँ पे पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया हुआ है। ये जो कार्यकर्ता हैं सुबह से जुटने लग गए थे, अब ये सड़क पर बैठ चुके हैं, इनके लिए क्या प्रावधान है? इनको हटाया जाएगा या क्योंकि ट्रैफिक को भी मूवमेंट देना है? जी बिल्कुल, इनके लिए मतलब ये सड़क पर किसी को भी नहीं बैठने दिया जाएगा। ये क्षण भर के लिए लोग आए हैं, अपना नारेबाजी कर रहे हैं, और जो भी हमें आदेश निर्देश पालन मिलेंगे, आदेश निर्देश उनका पालन कराया जाएगा। सवाल है कि हर जिले की पुलिस को रिटर्न में दिया गया है कि कोई भी नेता जो है संभल की तरफ ना आए, तो आप लोगों की क्या तैयारी है कि जब राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे क्या उनको यहाँ रोका जाएगा या आगे जाने दिया जाएगा? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अभी सिर्फ हम लोग सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं। जैसा भी आदेश निर्देश हमें ऊपर से प्राप्त होगा उसका पालन कराया जाएगा। संख्या लगाई गई है सर? काफी संख्या है, फोर्स की काफी संख्या है यहाँ पे, हम पूरी तरीके से मुस्तैद हैं हर चीज को पालन कराने। तो नहीं जा रहा, ट्रैफिक को कहीं नहीं रोका गया। ये तस्वीर है आला अधिकारी जिस तरीके से स्वतंत्र जी हैं, और इस पूरे इलाके की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त यही दिख रही है कि पुलिस ही आपको चारों तरफ नजर आएगी, बैरिकेडिंग नजर आएगी, कार्यकर्ता जो हैं वो नजर आएंगे, और जहां तक आप देखेंगे लंबी कतारें आपको इसलिए नजर आएंगी क्योंकि जाम जो है वो काफी लंबा हो चुका है। एनएच है और तस्वीरें ठीक मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही होंगी, जहां आपको नजर जा रही है जाम है, निकाला जरूर जा रहा है, सिक्योरिटी पर्पज पुलिस है। हालांकि उस सवाल का जवाब नहीं है कि रोका जाएगा कि नहीं रोका जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस वो तमाम जो एहतियातन सुरक्षा है उसको लगाया गया, लेकिन जिस तरीके से जो संभल ना आने दिया जाए किसी भी प्रतिनिधि को, तो ऐसे में व्यवस्था हर बॉर्डर पर है, हर जगह है, और ऐसे में ये तस्वीरें जरूरी हो जाती है कि किस तरीके से व्यवस्था पुलिस ने की है। यूपी पुलिस, यूपी बॉर्डर, दिल्ली के बॉर्डर कनेक्टेड है, यहां पहले रोका जाएगा, अगर यहां रोककर वापस भेज दिया जाता है तो संभवतः यह समझा जा सकता है कि राहुल गांधी आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन हमने पहले कई ऐसी तस्वीरें देखी हैं जब राहुल गांधी जाने की विचार करते हैं, या कहा जाए कि हम लखीमपुर की बात करें, हाथरस की बात करें, जो हमने देखा भी था कि जहां वहां पहुंच चुके थे और गए भी थे क्योंकि उनको वहां भी रोकने की कोशिश की थी, और यहां जिस तरीके की तस्वीरें हैं यहां पे तैयारियां पूरी हैं, लेकिन ये लगता है कि जिस तरीके की तैयारियां रोकने की पूरी कोशिश की जाए, लेकिन अभी तक ये तस्वीरें देखी जा रही हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, भारी संख्या में पहुँचे हैं। मैं कोशिश करता हूँ बात करने की, क्या लगता है कि आ पाएंगे यहाँ तक राहुल जी? बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे, राहुल गांधी जी वहाँ से चल चुके हैं, राहुल गांधी जी यहाँ आएंगे और हम सब लोग उनके साथ संभल जाएंगे और वहाँ के पीड़ितों से हम लोग मुलाकात करेंगे राहुल जी के साथ। है कि ऐसा सही समय है वहाँ जाने पे, जब मामला जहाँ अभी जगह अति संवेदनशील है और कहा गया है कि अभी मामला शांत हो जाए उसके बाद जाएं, 10 तारीख तक का समय। राहुल, नजर बनाए रखिएगा।